हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री और मंडी संसदीय क्षेत्र से सांसद कंगना रनौत के प्रतिद्वंदी रहे विक्रमादित्य सिंह ने मंडी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा हरियाणा में किसान आंदोलन पर किए गए बयान की निंदा की है और कहा कि हरियाणा किसान आंदोलन को अमेरिका और चीन की शय बताना कंगना रनौत को शोभा नहीं देता। बयान तथ्यों पर आधारित नहीं है, इससे भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत को इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर बोलने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए, ऐसे बयान किसानों के संघर्षों और बलिदान के लिए अपमान है। देखिए, मैं समझता हूँ कि मंडी की सांसद आदरणीय कंगना रनौत जी ने जो बयानबाजी किसानों के ऊपर करी है और उसमें चाइना का और अमेरिका का हाथ होने की संभावना जताई है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मजाक का केंद्र बन रहा है। इसकी स्थिति जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को स्पष्ट करनी चाहिए। क्या केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की विदेश नीति इतनी कमज़ोर है कि हमारे इंटरनल मैटर्स में चाइना और यूएसए जो है वो हस्तक्षेप कर रहा है? और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने इस बयान से पल्ला झाड़ा है, वो इस चीज़ को दर्शाता है कि एक इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी जो है वो आज भाजपा की सांसद के बयानों में झलक रही है। जब इस तरीके के संवेदनशील मुद्दों के ऊपर और ख़ास करके तब जब आप एक चुने हुए पद के ऊपर बने हुए हैं, गंभीरता के साथ और सोच समझकर बयान देना चाहिए, क्योंकि इसके रिपरकशंस केवल भारत तक ही नहीं हैं, इसके रिपरकशंस जो हमारे कूटनीति है, जो हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स की जो हमारी डिप्लोमेसी और देशों के साथ चली हुई है, उसके ऊपर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह पैदा करती है। तो मैं समझता हूँ कि उनको ज़्यादा ध्यान अपने मंडी संसदीय क्षेत्र के मुद्दों के ऊपर देना चाहिए, जहाँ पर वो अभी तक उनको समय नहीं लगा है कि वो हर इलाके में गए, एक दिन का तूफ़ानी दौरा कर वापस चले गई हैं। उनको स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, वाइट पेपर लाना चाहिए कि कितना सहयोग वो दिल्ली से हिमाचल प्रदेश के लिए लाई हैं, पर्टिकुलरली मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए केंद्र से लाई है, इसके बारे में उनको स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। इस तरीके के अनफॉरसीन और कंट्रोवर्शियल और सेंसलेस स्टेटमेंट्स जो वो समय समय पर देती है, जिसके लिए वो जानी जाती हैं, उससे उनको बचना चाहिए। अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।